सब्सक्राइब करें इस हिंदी स्टोरी एंड सक्सेस चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को। हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टोरी एंड सक्सेस चैनल में। सफलता कठिन परिश्रम पर चलती है, लेकिन आत्मविश्वास रूपी ईंधन का होना बहुत जरूरी है। हाय दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ दुनिया के ऐसे इंसान के बारे में जिसने दुनिया में इतनी ऊंचाइयां छुई है कि एक अच्छा भला इंसान उतनी ऊंचाइयां नहीं छू सकता। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीकांत बोला जी, जिन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। हौसला हो तो क्या नहीं पाया जाता जा सकता, इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए। बस फिर कोई भी कठिनाई के बुलंद हौसलों को मात नहीं दे सकती। यहाँ हम कर रहे हैं ऐसे जिसने अपने जज्बे को कायम रखा और अपनी मंजिल को रास्ता बनाया, उसे हासिल भी किया। श्रीकांत बोला जो बचपन से ही अंधे हैं, आज 10 करोड़ रुपए की कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी पोलैंड इंडस्ट्रीज के सीईओ के पद पर नियुक्त। उन्होंने कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों के मिसाल कायम की है। हैदराबाद के श्रीकांत बोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मासिक आय लगभग 1600 रुपये थी। आपको जानकर हैरत होगी कि जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उनके पैदा होते ही उन्हें मार देने का कहा, लेकिन श्रीकांत जी की किस्मत में कुछ और ही था। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत से कुछ करने का दम रखते हैं। बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। परिवार की आर्थिक स्थिति न होने के बावजूद श्रीकांत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। वह 10वीं के बाद साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके ब्लाइंड होने के कारण उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। श्रीकांत भी कहाँ हार मानने वाले थे। कई महीनों की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाज़त मिल ही गई। और इसी के साथ श्रीकांत देश के पहले ब्लाइंड बने जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की अनुमति मिली। इसके बाद श्रीकांत ने दोबारा पीछे नहीं देखा। श्रीकांत को अपनी पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT में प्रवेश मिला। इसी के साथ ही श्रीकांत देश के पहले ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट बने जिन्होंने MIT शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका से अपनी शिक्षा लेने के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की। श्रीकांत ने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकेजिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों की
एक टीम से की। इस कंपनी में सबसे पहले आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा गया, जिसमें श्रीकांत ने ब्लाइंड लोगों को काम दिया। जब श्रीकांत की अच्छी कंपनी रफ्तार पकड़ने लगी तो फंडिंग की दिक्कत आना शुरू हो गई, लेकिन श्रीकांत इससे पीछे हटने वाले थोड़ी थे। उन्होंने कई फंडिंग कंपनियों से, निजी बैंकों से फंड जुटाए, अपने काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी ने फर से पक्का सफ़र तय किया। आज श्रीकांत की कंपनी ने तेलंगाना और हैदराबाद में 4 प्लांट हैं, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। श्रीकांत कहते हैं कि जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि वह कुछ नहीं कर सकते, तो वह उनसे कहते थे कि वह सब कुछ कर सकते हैं। आज जिस मुकाम पर श्रीकांत है, उन्होंने अपनी इस बात को साकार भी कर दिखाया है। श्रीकांत कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी की जंग जीतनी है, तो सबसे बुरे समय में धैर्य बनाकर रखने से सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। Thanks for watching.